सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल किताब माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज के वीडियो का टॉपिक है किस तरह से टैक्स इन्फॉर्मेशन एडसन एंड यूट्यूब में फिल की जाती है। तो मुद्दा क्या था भाई, मुद्दा ये है कि ना यूएस बोलता है भाई हमारे यहाँ पे जो भी कंपनी है वो बाहर पैसे दे रही है ना, तो वो लोग अगर बाहर पैसे दे रही है तो उन पर 30% टैक्स लगाऊंगा अगर हमारे यहाँ से पैसे जा रहे हैं। तो अपन बोले यार ऐसे, और अपन इन्फॉर्मेशन और टैक्स की डाले कहाँ से, अपन ने सबने थोड़ी टैक्स फिल करते हैं यार, सब तो उतने बड़े भी नहीं है, कमाने भी नहीं लग गए, यूट्यूब चैनल चल रहा है, तो टैक्स इन्फॉर्मेशन कहाँ से फिल करेंगे। और सब डर गए थे, लेकिन माहौल डरावना है ही नहीं, आपको सिर्फ अपना पैन कार्ड डिटेल्स डालनी है, तो कोई बड़ी बात नहीं, आज की वीडियो में सब बता दूंगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भाई आया बता के जाएगा, आपका सारा टेंशन दूर होने वाला है। इतना बता दो 31 मई 2021 के पहले आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन पे करनी है, वरना 30% टैक्स लगाएंगे, मेहनत का पैसा, मेहनत से वीडियो बनाते हो, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं चैनल वीडियो को शुरू करता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई मैं बहुत काम की यूट्यूब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाता हूँ जो आपकी बहुत मदद करने वाली है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। किस तरह से भरी जाती है टैक्स इन्फॉर्मेशन। तो टैक्स इन्फॉर्मेशन भरने के लिए आपको सबसे पहले अपने एडसन अकाउंट में आना है। जैसे ही आप अपने एडसन अकाउंट में आओगे आपके सामने ही लिखा होगा कि भैया चचा सुनो 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 टैक्स इन्फॉर्मेशन भर दो। अगर आपने इसको गलती से डिसमिस किया था तो आपको इधर लेफ्ट साइड में पेमेंट ऑप्शन है, उधर अगर आप क्लिक करोगे तो बोलेगा ओ टैक्स इन्फॉर्मेशन भरनी है, वरना ज़्यादा पैसे कटेंगे तेरे। तो बोले हाँ हाँ भाई भरनी है भरनी है। इधर आ जाते, इधर आने के बाद बोलेगा हाँ ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन। तो जैसे ही आप करोगे टैक्स इन्फॉर्मेशन, बोला हाँ करना है, तो बोलेगा पहले अपना पासवर्ड डाल। तो बोलेगा हाँ ठीक है डालता भाई। तो आपको आपका पासवर्ड डाल देना है, ये बोल रहा गलत, बोलेगा रुको भाई। तो इस तरह से मैंने अपना पासवर्ड पुट कर दिया, ओके। अब ये पूछ रहा है कि क्या आप एक इंडिविजुअल हो, आपका एक इंडिविजुअल चैनल है या फिर आपकी एक कंपनी है। तो ज़्यादा करके यूट्यूबर्स के क्या होते हैं, इंडिविजुअल चैनल ही होते हैं भाई, समझ रहेगा, कंपनी तो होती नहीं है। तो अपन सिंपल सा बोलेंगे हाँ यार अपन इंडिविजुअल। नेक्स्ट बोलेगा आर यू सिटीजन, अपन यार अमेरिका में रहते हैं क्या, नहीं, ठीक है। अभी यहाँ पे पूछ रहा है बेस्ड ऑन योर प्रीवियस सिलेक्टेड आंसर V8 फॉर्म में, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप नॉन US इंडिविजुअल हो या फिर बिजनेस हो। तो भाई अपन यार इंडिविजुअल है ना यार, फॉर्म मोस्टली कॉमन यूज फॉर बिजनेस, तो अपन पेन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा ऐसा लोडिंग होगा, ओके। तो इन्होंने पहले से ही आपका नाम डाला हुआ है सुमेर सिंह राजपुरोहित, ठीक है। ये पूछ रहा है कि क्या आपकी बिजनेस एंटिटी है या ऑप्शनल है। बोलने का नहीं नहीं बिजनेस नहीं आया यार, किधर, गरीब आदमी यूट्यूब चला रहा है यार, इंडिया डाल दो, ठीक है इंडिया आ गया। उसके बाद यहाँ ये लोग पूछ रहे हैं फॉरेन टिन पुट करना है। तो ये जो फॉरेन टिन है ना, यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना पैन कार्ड लिंक करना है। आपको कुछ टैक्स इन्फॉर्मेशन, अरे यार मैंने टैक्स फिक्स तो भरा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली अगर आपने टैक्स भरे हैं या फिर टैक्स नहीं भरे हैं तो आपके पैन कार्ड से सारी चीज़ें कनेक्टेड होती है। इसलिए जैसे ही अगर आपने कभी टैक्स भरा भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपका पैन कार्ड नंबर डालना है, और कुछ डालने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अपन पैन कार्ड नंबर डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये USITN भाई ये सब ऑप्शनल, अपने को ये सब नहीं डालना है, ओके। अभी आपको पूछ रहा है परमानेंट रजिस्टर्ड नंबर क्या है, तो भाई अपने को यहाँ पे आपको आपका एड्रेस डालना है, तो मैं अपना एड्रेस डाल देता हूँ, तो एक बार आपने अपना एड्रेस डाल दिया तो उसके बाद ये पूछेगा कि आपका मेलिंग एड्रेस सेम है कि नहीं। मतलब ये लोग क्या कह रहे हैं, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस में बेसिक सा फर्क होता है कि अभी जब जहाँ पे आप परमानेंटली रहते हो और मेलिंग एड्रेस वो होता है परमानेंट एड्रेस। मेलिंग एड्रेस मतलब कहीं आप शिफ्ट हुए हो या फिर करंटली कहीं और कुछ काम कर रहे हो और वहाँ पे आप चाहते हो कि अपनी चिट्ठी विट्टी आए। वैसे तो अभी का ये मामले में तो भेजेगा नहीं चिट्ठी, पर अगर आप अभी करंटली कहीं टेम्प्रेरी कहीं और हो तो वहाँ पे आप अपना मेल विल चाहते हो तो वो आप यहाँ पे मेलिंग एड्रेस डाल देते हो। पर अपना तो बोलेंगे नहीं यार, अपना जो मेलिंग एड्रेस है वो सेम है, तो बोलेंगे इसको भी टिक कर देने का। तो बोलेगा सेम है तो ठीक है, फिर ओके कर दे, सेम कर दे, आगे बढ़ते, ओके। एक बार जैसे ही आपने एड्रेस पुट कर दिया ना, फिर आ जाता है टैक्स डिटेल। तो अब ये पूछ रहा है कि आप वैसे तो US नॉर्मल 30% टैक्स लगाते हैं अगर आप टैक्स रिड्यूस करने के लिए क्लेम नहीं करते हो तो। तो ये पूछ रहा है कि क्या आप क्लेम करना चाहते हो, ना बोलोगे तो बोलेगा ठीक है हम 30% लगा देंगे, यस करोगे तो आपका रिड्यूस होगा। तो भाई यार पैसे तो झाड़ भी नहीं उतते, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने का, तो अपन बोलेंगे नहीं भाई हम लोग को रिड्यूस क्लेम करना है, यस। तो आपको अपना इंडिया का मतलब एड्रेस अपनी कंट्री का डालना है, मतलब सिर्फ कंट्री सिलेक्ट करनी है, इंडिया अपन ने कर ली। फिर आ जाते नीचे, फिर जैसे ये सर्विसेज पूछेगा, तो जैसे ही आप सर्विस क्लिक करके आर्टिकल 7 पैराग्राफ यहाँ पे आपको 0% डालना है और इसको करना है टिक। फिर आ जाता है इसमें,
तो इसमें आपको डालना है, पहले तो आर्टिकल 12 सेलेक्ट करना है और यहाँ पे यूज़ करना है 15%, इसको करना है टिक। उसके बाद अदर कॉपीराइट रॉयल्टी में भी आर्टिकल 12 और यहाँ पे अपने को करने का है कितना 15%, तो तीनों को देख लो एक बार, 0%, 15%, 15%। ओके, और इसको चले जाते हैं नेक्स्ट में। ओके, तो यहाँ पे आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स और सारी डिटेल्स भर चुकी है, अब आपको करना है आई कंफर्म और आगे जाना है। तो यहाँ पे आपको आपका फुल नेम डालना है जो आपके पैन कार्ड में लिखा हुआ है, समझ रहे हो क्या, और आपका पैन कार्ड का और आपके एडसेंट में जो आपने नाम डाला हुआ था वो सेम होना चाहिए। तो अपना फुल नेम अपन डाल देते हैं भाई, सुमेर सिंह पिताजी के नाम के साथ, ओके। आई एम अ पर्सनल सिग्नेचर है सेक्शन, हाँ भाई अपन ही है, अगर आप खुद ही हो तो बोलेंगे हाँ यार मैं ही इंसान हूँ, वो मैं ही वो जो हूँ फिल कर रहा हूँ फॉर्म। हैज़ ए इंडिविजुअल कार एंटिटी टैक्स, वो ये पता क्या कि गूगल में कुछ काम किया था कि मतलब उधर यूएस में जाके, नहीं नहीं भाई कुछ काम नहीं। तो अभी यहाँ पे ना आपको दो चीज़ें पूछ रहा है, क्या आप ये आपका पहली पेमेंट आ रही है उसके लिए टैक्स भर रहे हो, कि आपकी पहले से पेमेंट आ चुकी है। आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर अ न्यू और एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल दैट हैजंट रिसीव पेमेंट। तो यार मैंने तो यार अपने को तो 2-3 बार पेमेंट आ चुकी है, तो हम बोलेंगे नहीं नहीं भाई अपने को एग्जिस्टिंग पेमेंट आ चुकी है, आपको उस पर क्लिक करना है, इसके बोलना हाँ ठीक है भैया और आगे बढ़ना। तो हो गया भाई, इस तरह से आपका टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल हो चुकी है, आपको सीधा एक ईमेल आएगा कि आपके टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल हो गई है एंड दैट्स आपका टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल का अप्रूवल हो गया है। तो ये था, इतना सिंपल था यार। तो ये था आज का वीडियो, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने सारे दोस्तों को, और कहीं भी दिक्कत आ रही है तो भाई कमेंट करो, भाई आपको आपकी प्रॉब्लम का सलूशन बताएगा। और अगर आप YouTube पे ग्रो करना चाहते हो, खुद का पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हो, खुद की पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना चाहते हो, तो सोशल किताब को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप एक ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हो, अपना वही मोटिव है भाई। ठीक है, तब तक के लिए अब आएगी अगली वीडियो, तब तक के लिए वेट करो और लोगों की मत सुनो, जो आपका दिल करता है वो करो, सेफ रहो, मचाते रहो।